मैं वक्ता के तौर पर निवेदन करना चाहूंगा, एडवोकेट डूंगर सिंह नामा, प्रबंधक प्रबंध निदेशक भारतीय स्वाभिमान परिषद, आप आए और अपनी बात रखें। हेलो साथियों, आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समारोह समिति फेडाना की ओर से बाबा साहब एवं ज्योतिबा फुले की जन्म जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से हमारे को मार्गदर्शन दे रहे माननीय गरीबदास जी महाराज, नेमनाथ जी महाराज एवं समस्त मंच, आप सबका आदर सम्मान करते हुए मैं थोड़े ही समय में अपनी बात रखूंगा। साथियों, हम लोग उस महान पुरखे की जन्म जयंती मना रहे हैं जिसने हमें इस लायक बनाया कि हम लोग ये बड़ा पंडाल लगाकर है जो विचार विमर्श कर रहे हैं कि किस तरह से हमें है जो आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह से जो हमारे महापुरुषों ने हमें जो मार्ग बताया उस मार्ग पर चलना चाहिए। ये है सब बातें हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोग उनके जो उन्होंने जो संविधान निर्माण किया और संविधान निर्माण के अंतर्गत जिनने हमको हक अधिकार दिया, उन हक अधिकारों की बदौलत ही हम लोग आज बड़े पैमाने पर यहां बैठे हैं। साथियों, हम जब बाबा साहब की बात करते हैं, ज्योतिबा फुले की बात करते हैं, महिला शक्ति बैठी है, पुरुष भी बैठे हैं, परंतु मंच पर जब मैं देखता हूं तो के प्रतिनिधि के तौर पर प्रधान बैठेंगे, पंचायत समिति सदस्य बैठेंगे, मुझे यह समझ में नहीं आया कि बाबा साहब की जयंती है और महिला पंचायत समिति सदस्य है, प्रधान महिला है, तो उनको पीछे क्यों रखा जा रहा है। बाबा साहब का यह सबसे बड़ा अपमान है, मैं ये समझता हूं। हमारे ही लोग, हम लोग हमारी महिलाओं को पीछा रखते हैं, ये मनुवादी मानसिकता हमारे खुद के अंदर है, इस मनुवादी मानसिकता को हमें छोड़ना पड़ेगा। जब तक ये बातें नहीं छोड़ेंगे तब तक आपका प्रतिनिधित्व कोई काम में आने वाला नहीं है। हमारे साथ में इसी तरह से अन्याय होता रहेगा। हम लोग जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उसके खुद शिकार हैं, जब तक खुद है जो उनसे मुक्त नहीं होंगे तब तक ये मामला चलने वाला नहीं है। साथियों, जसोल के अंदर बाबा साहब की जयंती मनाई गई और बाबा साहब की जयंती के अंदर यज्ञ का कार्यक्रम आरएसएस के द्वारा आयोजित किया गया। मैंने उस बात का विरोध किया कि बाबा साहब का आप ब्राह्मणीकरण कर रहे हो, जिस बाबा साहब ने जिंदगी भर उस व्यवस्था के खिलाफ लड़े, उसी व्यवस्था के अंतर्गत आप लोग है जो उसको ढाल रहे हो, ये सबसे बड़ी है जो है बाबा साहब का अपमान है। बाबा साहब की विचारधारा के खिलाफ में है जो बात हो रही है, वहां के जो बालोतरा के सरसंचालक थे उसके सामने है जो मैंने बात रखी। हम लोगों को बाबा साहब की विचारधारा अगर फैलानी है तो जो लोग बाबा साहब के विचार के नाम पर इस तरह के कृत्य कर रहे हैं उनका विरोध करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय के अंदर जो हमारे संत महात्मा, संत रविदास, संत कबीरदास जो कह के गए, उस बात का जो ब्राह्मणीकरण हुआ वो ब्राह्मणीकरण भी हमारे साथ में होगा, बाबा साहब के साथ में होगा। बाबा साहब ने 32 प्रतिज्ञा दी जिसके अंतर्गत उन सब बातों का विरोध किया, परंतु कुछ बातें हैं जो इस तरह की है जो बात वर्तमान में लागू हो रही है, उस बातों को समझना पड़ेगा कि कौन लोग हैं जो बाबा साहब को इस तरह से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी व्यवस्था के अनुसार, अपनी सहूलियत के अनुसार उनको है जो ढाला सा सके। बाबा साहब वो क्रांति बीज था जिन्होंने
पूरे देश के अंदर ही नहीं विश्व के अंदर एक क्रांति फैलाई, और विश्व में यूएनओ अमेरिका उन्हें है जो बुद्धि का प्रतीक मानता है, परंतु उन बुद्धि के प्रतीक को हमारे ही लोग है जो दबाना चाहते हैं ब्राह्मणी व्यवस्था के अंतर्गत। समझना होगा साथियों, हम लोग पिछले कुछ समय से इस बात को देख रहे हैं, 14 अप्रैल मनाई गई और सोशल मीडिया पर कुछ जाति विशेष के लोगों ने कमेंट्स किया 30 बनाम 70, 30% वाले और 70% वाले, गधे और घोड़े। मैं इस अवसर पर किसी जाति विशेष का नाम नहीं लेना चाहता, आज अगर मुख्य अतिथि आए होते तो मैं जो बात रखता, परंतु साथियों गधा कौन है घोड़ा कौन है ये बात तो हम लोगों को इतिहास बताती है कि हम लोग तो उस समय भी गुलाम थे जब हमें है जो तलवार हाथ में पकड़ने का अधिकार नहीं था, परंतु तुम लोगों के पास में तलवार थी, भाला था, बोलने का लिखने का अधिकार था, तो देश गुलाम कैसे हुआ? तुम लोग काबिल थे तो देश गुलाम कैसे हुआ? मैं उन लोगों को पूछना चाहता हूं। साथियों हमें है जो जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उन बातों से घबराना नहीं है, हम देश के मूल निवासी है, इस देश के मालिक है, और मालिक को ये बात समझनी होगी कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। अगर दोस्त और दुश्मन की पहचान हम लोग कर लेते हैं तो मैं समझता हूं साथियों कि आने वाला भविष्य है जो हमारा होगा, आने वाला भविष्य हमारा होगा, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। ये जो बात है हम समझ गए तो हम लोग इस देश के हुक्मरान होंगे। साथियों हम लोग अगर अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ में समझौता करते हैं, हम लोग अपने आप को नीच घोषित करते हैं और ऐसी गैर बराबरी की व्यवस्था में जाकर अपना भोजन अन्न जल ग्रहण करते हैं जहां पर है जो गैर बराबरी है, तो मैं समझता हूं कि आप अपने आप स्वयं को नीच बना रहे हो, उस व्यवस्था को स्वीकार कर रहे हो। जब तक हम लोग ऐसी गैर बराबरी की व्यवस्था जहां पर हमारे साथ में गैर बराबरी होती है, भोजन गैर बराबरी के साथ में परोसा जाता है, पानी गैर बराबरी के साथ में दिया जाता है, ऐसी व्यवस्था को ठोकर मारो साथियों। अगर ठोकर मार दी तो परिवर्तन जल्द ही संभव होगा। मैं आप सभी से आशा करता हूं, अपने खुद से, अपने आप से आज इस अवसर पर संकल्प लें कि गैर बराबरी की व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे और है जो इस तरह की व्यवस्था होगी उसका बहिष्कार करेंगे। मैं आप सबसे मानता आप सबसे यह आशा करता हूं कि आज हम लोग दो महान पुरुषों की जन्म जयंती मनाने हैं, अगर इस अवसर पर ऐसा संकल्प लेते हैं तो मैं समझता हूं कि आज का ये जन्म जयंती मनाना सफल होगा। धन्यवाद। जय भीम जय भारत। साथियों लगातार पूरे भारत के अंदर लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, 19 तारीख को अंदर सड़ा गांव के अंदर कार्यक्रम हो रहा है जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं, वह पधारे और विद्वान वक्ताओं के विचार सुने। साथियों आप सबकी संगठन शक्ति ही हम लोगों को एक नई दिशा देगी। 19 तारीख को सड़ा में सादर आमंत्रित है सभी जाति।